चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस की ही जीत होगी। आज 15 साल से खैरागढ़, छुईकदान, गंडई पीछे होते गया, इन 15 साल में खैरागढ़, छुईकदान, गंडई 50 साल पीछे हो गया है, लेकिन इस घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वादा किया गया है कि अगर चुनाव जीतते ही मैं दूसरे दिन 24 घंटे के भीतर जिला निर्माण करूंगा, यह छुईकदान खैरागढ़ विधानसभा के लिए बहुत ही सम्मानजनक उनके तरफ से उपहार रहेगा। आज छुईकदान जो पिछड़ा है, जिला बनने के बाद यहाँ जिला अस्पताल, जो जिले की जितनी विभागें रहती है वह आ जाएगी। आज एक छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है उसके लिए बाहर अस्पताल से रिफ़र कर दिया जाता है, उन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। ये सिर्फ चुनावी वादा है, इसके पूर्व भी वो कर चुके हैं, इसको हमको कोई भरोसा नहीं है अभी फिलहाल। तो जब बन जाएगा तभी हम मानेंगे इसको, उसके पहले हम नहीं मान सकते। 15 सालों में तो विकास तो भाजपा ने बहुत की है, लेकिन अभी तो वर्तमान भी पिछले 2-2.5 साल से हमको शून्य नज़र आ रहे हैं। इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत यशोदा दीदी जीत मानी जा रही है अभी भी जनता की तरफ से, और मेन रीज़न इसका जिला का जो घोषणा किया गया है उसके कारण जीत कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। आज कांग्रेस सरकार बहुत झूठा वादा किए है। पहले बोला था शराबबंदी करने करके, शराबबंदी भी नहीं किए है, और पहले नगर पालिका जीते तो जीतेंगे तुरंत, जिला घोषित करेंगे वो भी नहीं किया है। आज वो झूठा वादा करके फिर जीत जाएंगे करके अभी फिर घोषणा पत्र किए है, ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा। देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आदरणीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम जिला दे देंगे तो बिल्कुल देंगे। इससे पहले भी उन्होंने पेंड्रा मारवाही में वादा किया था चुनावगढ़ डैम और उनको जिला बनाया, तो उससे तो स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को जिला मिलेगा और यहाँ की प्रत्याशी यशोदा वर्मा चुनाव जीत के जाएगी। देखिए, विकास की बात के बारे में आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं माननीय कोमल जंघेल जी, वो घिरघोली ग्राम के रहने वाले हैं, जहाँ से सिद्ध बाबा जलाशय निकला हुआ है, सिद्ध बाबा की मंदिर है, उसके पीछे सिद्ध बाबा जलाशय बनना है। इसको भूपेश बघेल जी ने 263 रुपये की स्वीकृति, पहले सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद स्वीकृति हुई और टेंडर लगने को चले गया है। अगर वो व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनता है, जिसको ये नहीं मालूम कि उसके घर के ऊपर जलाशय बनाया जा सकता है, तो ऐसे निकम्मे व्यक्ति को वोट देना बेईमानी होगा। हमको इस क्षेत्र में जिला बनाना है। जिला बनाने के लिए खैरागढ़ के लोगों को बिल्कुल यशोदा वर्मा को चुनाव जिता कर विधानसभा भेजना होगा। खैरागढ़ की जो मतदाता है, पिछले जो आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल और प्रदेश के सभी नेता छुई खदान के आम सभा लिए थे। उस आम सभा में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे गंगा जल को पकड़ के कि हम दिलाएंगे। उसके बाद भी खैरागढ़ के मतदाताओं ने उनके लालच में ना आ करके, है ना, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर चुनाव में तीसरा नंबर के स्थिति में ला के पटक दिया था। और यहाँ की जो जनता है वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 सालों में विकास किया है और छुईकदान क्षेत्र में जो भी विकास की देन है, चाहे सड़क हो कि बेतार रानी हो या कई प्रकार की ऑफिस हैं, ITI हैं, जो भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही मिला था और उसके पूर्व कांग्रेस के शासन में नहीं। तो जिला बनाने की जो भी ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, जिला बनाना इतना आसान नहीं है, वो आप भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। ये सिर्फ उन्होंने अपनी जो हारते हुए स्थिति को देखा है उससे डर करके भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर के 29 बिंदु में जो घोषणा किए हैं वो कोई पूरा होने वाला नहीं है, और उन्होंने कोई छुईकदान के लिए भी विशेष घोषणा नहीं किए हैं, सिर्फ कॉलेज का नाम बदलकर अवंतीबाई करने का दिया है। तो नाम बदलने से यहाँ का विकास नहीं होगा। तो इसके जो भी 29 बिंदु हैं, चाहे जिला हो चाहे कुछ भी, यहाँ के मतदाता उनके भ्रम में जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार पुनः जिताएंगे। रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।